मेरा ये वाला जूता ब्रूनो काट गया, एक स्पोर्ट्स शूज में निकला था, ये काट गया हल्के से आगे से, दिख रहा है क्या इसमें? आपने अगर मुंशी प्रेमचंद की जीवनी सुनी है ना, तो उसमें यही है, वो फटे हुए जूते पहन रहे उसको फेमस है आज उनके फटे हुए कपड़े पहने घूमू मैं, फेमस हो गए तुम कपड़े नहीं जूते। इसमें देखो, इसमें भी हवा कम है, इसमें भी कम है, और उधर वाले में तो बिल्कुल ही नहीं है। वो वाला टायर तो देखो पिचका हुआ पड़ा। अभी हम डीमार्ट में आए पटेलगिरी करने, खरीदना कुछ है नहीं, फालतू हम पटेलगिरी कर रहे हैं खाली। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कल से ब्रूनो की तबीयत ख़राब हो रही है और इतना बुरा हाल हो रहा है ना उसका, कुछ खा पी भी नहीं रहा, और मतलब मैं बताऊंगा ना आपका सोच के यार कैसे हो गया उसके साथ में। वॉमिट कर रहा है, सुबह 3 बार वॉमिट कर चुका, कल उसमें ब्लड आया, पॉटी करा उसमें भी ब्लड आया, समझ भी नहीं आ रहा है ऐसे क्या तबीयत ख़राब हो गई इसकी, क्या खा लिया इसने, क्या कर लिया, कुछ खाया पिया नहीं कल से इसने, अभी भी लेटा है, कुछ खा पी भी नहीं रहा, कल तो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था, लेकिन फिर रात भर भूखा रहा थोड़ा सा सही है मतलब, लेकिन खाया कुछ भी नहीं अभी भी इसने, पता नहीं क्या हो जाता है इसके यार। हमको वैसे टेंशन हो जाती है इसी चक्कर में, नहीं तो वैसे ज़िंदगी जन रहती है इसी चक्कर में, टेंशन ख़राब हो जाती है। बस ऐसे बैठा खाली, कल तो उठ भी नहीं रहा था, बोलने के बाद बुलाने के बाद उठ भी नहीं रहा था, अभी तो चलो ठीक है उठ गया कर गया, क्योंकि रात भर सो गया ना ये इस चक्कर में। अब इसके वापस अगर तबीयत ख़राब हो गई तो डॉक्टर के लेके जाएंगे इसको, देखते हैं बाकी क्या होता है। भाई इतना सारा काम है ना मेरे पास, मैं कन्फ्यूज हो रहा हूँ कि करूँ क्या, कुछ पर्सनल काम भी है कुछ अलग काम भी है। यही मजाक उड़ा रही है, बहुत सारे काम से मैं यार करूँ क्या, क्योंकि जो काम करना है उसको वो फ़ोन उठा नहीं रहा, और जो मेरे को पर्सनल काम है उसका नंबर मैं मिल नहीं रहा। उसमें पढ़ा हुआ हूँ मैं, एक बहुत असमंजस में पढ़ा हुआ हूँ बहुत, कि क्या करूँ साले, कोई अकड़ पकड़ तो कर ले, लेकिन वो नंबर भी तो मिले, जो काम हो नंबर हो, जब काम हो नंबर नहीं तो काम कैसे हो, जब तो मैं बैठा हुआ इसका जवाब आया, जवाब नंबर ही नहीं, खाली जवाब आएगा साले। बैठे हैं ना दो के बैठे हैं। तब तक मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हमारे गार्डन में एक वो है गिरगिट, बड़ा सारा ऐसे गिरगिट है, इतना बड़ा सारा। ब्रूनो की पॉटी इधर पड़ी है, कल की जो ब्लड वाली पॉटी थी ना उधर पड़ी थी, मैंने मिट्टी डाल दी थी उस पर क्योंकि सूख आ रही थी, हमको मिट्टी डाल दी मैंने उस पर, तो गिरगिट आया ऊपर से उतर के इधर जाके बैठ रहे, बार बार 2 बार भगा चुका, पेड़ में चला गया। अभी ब्रूनो इधर खाना खा रहा था और वो इधर बैठा था, मैं देखा कि ब्रूनो उसको देख लिया ना भाई साहब, ऐसे हो जानी है, उसको भगाया मैं, वापिस आ गया था, वो पेड़ के अंदर चले गया, उसका बच्चा तो था इधर ही था, उसके बच्चे को तो मैंने हटा दिया था यहाँ से उठा के, बच्चा भी था क्रिकेट का, बच्चे को तो हटा दिया मैंने, लेकिन बड़ा क्रिकेट है। अरे चलो इधर से, मोटर पड़ी ख़राब, चलो आज सामने की दुकानें बंद है भैया, औरों की गए होंगे नवरात्रि में कोई माता वाता के दर्शन करने गए होंगे, अब थोड़ा सा सही लग रहा है ब्रूनो को, क्योंकि कल पूरे दिन हमने कुछ खाने को नहीं दिया इसको, तबीयत ख़राब हुई थी, बाबा वॉमिट करा था पानी पीने के बाद भी वॉमिट करा था, तो हमने कुछ खाने के लिए दिया नहीं इसको, अब रात भर में सही हो गया, सोता रहा पूरा दिन, सोता रहा रात को, सोता रहा उठा ही नहीं, बुलाने पे भी नहीं उठा, तब मेरे को लग रहा है थोड़ा ठीक है, ज़्यादा भी नहीं थोड़ा सा ठीक है खाली। मैंने कल एक्सी को देखो तिरछी लगाई बिल्कुल, तो बाहर निकलती है, वरना मैं वैसे लगाता हूँ सीधी लगाता हूँ मैं, तो बाहर निकलती है, मैंने इसको थोड़ी तिरछी लगाई, ये भी तिरछी लग गई वेन्यू, थोड़ी सी अंदर है गाड़ी, इसके अलावा बहुत अच्छे लगते हैं यार कलर करने के बाद, है ना। चलो भाई चुचू चुचू गाड़ी मैं जा रहा हूँ बजा, चॉकलेट खाई मैंने, चॉकलेट खाए तो ही ब्रूनो उठ गया, नहीं बड़ा शौकी ना वो। बंदे बंदे गाड़ी निकालूंगा उधर, ध्यान रखना क्रिकेट बार बार आ रहा है, अभी आया तो थोड़ी देर पहले, उसको बांध दे ब्रूनो को, बेटा गोइंग माय गोइंग माय गोइंग, ऐसे बक्सोदित्य करा लो मैं लोग ऐसे। मेरा ये वाला जूता ब्रूनो काट गया, एक स्पोर्ट्स शूज में निकला था, ये काट गया कैसे आगे से, दिख रहा है क्या इसमें? आपने अगर मुंशी प्रेमचंद की जीवनी सुनी है ना, तो उसमें यही है, वो फटे हुए जूते पहन रहे उसको फेमस है आज उनके, फटे हुए कपड़े पहने घूमू फेमस हो गए तुम कपड़े नहीं जूते।
फटे हुए जूते मत दिखाओ मेरे, एक जूते देखो उन्होंने कितना बुरा फाड़ा। ये पहन के जाऊंगा मैं फटा हुए जूता, ये वाला नहीं ज्यादा फटा हो गया इससे कंगाल पे आ जाएगी। तो पजामा भी देते जो एक तो पूरी और एक हाफ फटा हुआ, तो इसको पाड़ दो नहीं मतलब एक ही पजामा हो उसके एक स्लीव तो पूरी फटी हुई और एक हाफ। देखो मैंने भी फटा हुआ कुर्ता पहन लगा देखो। और यार तुम तो फेमस हो सर सर मैडम मैडम बिग बिग फैन ब्रूनो की मम्मी बिग फैन वो देख बेचारा ब्रूनो देखो देख रहा चूती है वो देख रहा चूती है कुछ खुशी का उपवास कर रहे हैं। कोई बात नहीं यार तुरपाई लगवा लेंगे ये मेरे एक साल से तो बैग में पड़े थे मेरे जिम के जूते थे, तो जिम तो गए नहीं शादी बाद तो ऐसे ऐसे बैग में पड़े थे, मैंने निकाले इनको थोड़े दिन पहले और भाई साहब मैं कल्याण कर दिया। जैसे ही निकाले ना ब्रूनो ने खाना आ गया ऐसा जा मेरे को रात को एक बार सपना आया, थोड़े दिन पहले सपना आया था, कल की बात है, कल की बात है या परसों की बात है, परसों तो वो बोले थे फिल्म अच्छी बनाया करो यार मैं रात को कैसे सपना देखता हूँ सपना पता नहीं लेकिन नींदों में 4:30-5 बजे की बात है तुम फिल्म अच्छी बनाया करो यार। अरे नींद में फिल्म को सारे दिन तो फिल्म देखते हो, नींद में भी फिल्म अच्छी बनाया करो यार। उसके अगले दिन मुझे सपना आया ये वाले जो जूते ना ये ब्लू वाले जो मैं दिखा रहा हूँ आपको ये जूते ब्रूनो लेके बैठा उसके 5 से 6 टुकड़े कर चुका और मुंह में जूता दबा के बैठा मेरे को दे भाई मेरी नींद खुल गई उस टाइम तो भाई साहब मैं उठते बोला कहाँ गया ब्रूनो मतलब वो सो रहा जब मेरे चेहरे में चैन आई। हमारा ब्रूनो भाई इतना शैतान है, मैं अभी बिस्किट खा रहा था दोनों हाथ में बिस्किट थे मेरे है ना, मैंने पहले से लिए डब्बे में से तो एक हाथ में इधर बिस्किट थे एक हाथ में इधर बिस्किट था, ये मैंने खाया इधर और ये खाया ब्रूनो ने, मैं हाथ से छीन के खा गया मैंने इसको दे दी फिर वो बोला यार कोई बात नहीं यार अब देखो खाने के बाद शेर कैसे घूम रहा है और खिलाओ मेरे को। अरे ब्रूनो आज इधर मम्मी बीचू आई पूछ ली जाती तेरी जय छोरे ऐसे सही लगता है तू तबीयत खराब रहती ना अच्छा ना लागे। कहाँ गया भाई ओ पोती पोती करो पोती दुकान खुल गई सामने कहते दो बार ही भाई ज्यादा तेज कुछ चला रहा है यार हमारा मकान कच्चा गिर जाएगा क्यों रो रहा साइकिल नहीं लाएगा आज साइकिल ब्रूनो ले लेगा ना इसमें रख क्या यार। हाँ मैंने ले लिया फोन, अभी मैं और बाजार बनी लेकिन मैं कहाँ जाके आ रहा, कोई काम से जाके आ रहा पर्सनल, हम डिमांड भी जा सकते हैं तो फिर एक्सी उठाएंगे लेकिन उसके टायर में आवाज नहीं क्योंकि मैंने कल भी उठाई थी भराई नहीं मैंने जोर जोर में। खुले पैसे रख लिए ना खुले पैसे का भीख मांग लिया हवा भराने के लिए तो पैसे है मैं जेब में से पता पैंट धोती है पैसे नहीं निकालती पैसे धो देती है। बोलो बैठो आप। अच्छा उधर वाली सड़क बनी है पैच यार हमारे कान्हा जी टिक ही नहीं पा रही इधर अभी भी गिर गए थे मैंने चिपकाया टेप लेते ही नहीं आप बोलते हो बोलते मैं बहुत काम चोर हूँ यार भाई तुम्हारी कसम बहुत काम चोर। पहले सबसे पहले तो हवा भराओ देखो गाड़ी में चारों टायर में हवा नहीं है देखो प्रेशर का साइन बता रहे हैं मीटर में गाड़ी दबी हुई चल रही है पहले सब में भराते हैं हवा और फिर निकलेंगे पहले और हम चिपका के चलेंगे। हाँ पर हवा बनने के लिए भी ऐसे हर कहीं से हवा नहीं भरते इस गाड़ी में जेके टायर के इस पे जाना पड़ेगा मेरे को वर्कशॉप पे वो हवा बनेगा इसके अंदर क्योंकि हमारी गली में जहाँ पे ये है ना हवा बनने वाला अभी दिखाता हूँ आपको उसके पास जाते बोलते भैया यार आपकी गाड़ी में हवा बनने में टंकी खाली होती है बताओ यार कोई वो है क्या टंकी खाली होती है टायर टायर पड़ा ना ये दुकान है उसकी गोल लाइट वाली वैन को मेंटेन कर रखा अभी कपड़े बेच रहे इसमें वाइट ही तो थी अपन आए थे ना वो चेक करने मैंने तो उसमें बताया था इनकी घड़ी लग रही थी पहले वैन में क्या है डैशबोर्ड में घड़ी आती थी लगी हुई एनालॉग वाली सुई वाली वो घड़ी अब बहुत सी बहुत कम मिलती गाड़ियों में हमारे पास भी वैन थी उसके अंदर घड़ी थी तो मेरे को लगा इसमें भी घड़ी होगी लेकिन इसके पास नहीं थी घड़ी हम गए थे चक्कर में कपड़े लेने का बहाना था हम बोले भाई घड़ी भी देख लेंगे इसमें लेकिन घड़ी थी नहीं। तो ये आ गया अपन जेके के शोरूम उस पर वर्कशॉप पे बंद थोड़ी है खुला है जैसे हवा भराते हैं हम चारों टायरों पहले इसमें देखो इसमें भी हवा कम है इसमें भी कम है और उधर वाले में तो बिल्कुल ही नहीं है
वो वाला टायर तो देखो पिचका हुआ पड़ा, पर टायर फट जाएगा चक्कर में, वो भरा ही लेता हूँ पहले। अब बर्गर में फाइनली आया चारों टायर में। अब देखिए इसका ये भी खत्म हो गया, साइन आ रहा था ना उसमें लाइट, उसका मिट, उसका DPMS का साइन जो आ रहा था वो भी चला गया, मतलब सारे टायर में ओके है। इसमें कल दिन में ला के चेक कराना पड़ेगा मेरे को एक बार इसमें कि पंचर क्यों जाती है बार बार, पंचर मतलब खड़े खड़े हवा क्यों निकल जाती है टायरों में से, तो सुबह एक बार लाना पड़ेगा, अब चेक करेगा ये। अब ये पंचर चलते हैं सीधे। कल करेंगे। हम भी आलसी, लुगाई भी आलसी, हमारा कुत्ता भी आलसी, गाय का आलसी। मैं एक बार में बोला भूख लग रही, उठ के बनाती नींदों में नींद में थी मैं, नहीं यार खुद को भूख लग रही थी इसलिए बनाई है। 2 बजे से लगती थी पर मैंने खुद के लिए नहीं, आलसी हो गई ना, तो खुद के लिए हाँ तो बस, तो मैं भी खुद के लिए करता हूँ, अपने पति और अपने बच्चों के लिए थोड़ी करता है। बात नहीं ऐसा होता, शादी पर अक्सर ऐसा होता। समझा रहे हैं खाली डीमार्ट पास में ही है जहाँ पे हम आए थे ना, उससे जस्ट पास में ही डीमार्ट, वहाँ पे जा रहे हैं। अगर वहाँ पे भीड़ होगी तो वहाँ पे रिटर्न जाएंगे, और मेरे को लगता है कि 100% भीड़ होगी, क्योंकि उसके जस्ट बगल में तिब्बती मार्केट है जो चालू हो चुका, और अभी 7 बज गए तो डीमार्ट में तो ऑब्वियसली भीड़ होगी तो अभी यूटर्न मार लेंगे अपन। ऐसे तो ट्रैफिक जाम नहीं है लेकिन गाड़ी खड़ी हुई है, आ जाएगा नंबर तो आराम से लगा सकते हैं। देखते हैं एक बार किधर लगाएं, उधर से नीचे वाली पार्किंग बना रही है क्या, बाहर लगाएं किधर लगाएं। अभी हम डीमार्ट में आए पटेलगिरी करने, खरीदना कुछ है नहीं, फालतू में पटेलगिरी कर रहे हैं खाली। चप्पल देख रहे हैं, चप्पल ही चप्पल 100-100 रुपए की, ये 350 रुपए की, सबके अलग अलग रेट हैं। अलग अलग कंपनी की होगी, नहीं सेम ही है। ये कौन सी, ये तो डीमार्ट की नॉर्मल, वो बहामास की थी। कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा ले ले यार। आज तो भाई भीड़ नहीं बिल्कुल भी, तिब्बती मार्केट में भी भीड़ नहीं है। देखो डी मार्ट का सजा हुआ है, अभी निकलते हैं, इधर से यूटर्न मारनी पड़ेगी अपन को, नहीं इधर तो अटक जाएगी गाड़ी। यूटर्न मारो, ट्रैफिक ऐसा भयंकर है ना, मतलब लोगों को परवाह ही नहीं है कौन आ रहा है आगे से कौन नहीं आ रहा, बीच बीच में घुसेड़ देते हैं गाड़ी, एक्टिव बीच में घुसेड़ देंगे, बस आ रही है तो बस के सामने भी नहीं रुकते, ऐसे चला रहे टेढ़ी मेढ़ी। और रात के टाइम में तो वैसे ही मेरे को डर लगता है ऐसे चलाने में, कि कोई भी कहीं से भी आ जाता, पर गलती हमेशा गाड़ी वाले की होती है। अब जैसे ये देखो बस ये उधम इनकी चलती रहेगी ऐसी। आज वीडियो एंड करते हैं यहीं पे, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। मुझे मम्मी करेगा बाय करेगा, बोलो बाय बाय, आज जो कल आज वीडियो देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना।